क्या आप अपने सोलर ग्रुप के सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपने सोलर ग्रुप के सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि अपने सोलर ग्रुप के सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सोलर ग्रुप के सर्टिफिकेट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन बिना किसी झंझट के। आप अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन बहुत ही इजीली तरीके से अपने सेलफोन्स या पीसी में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें। वो बताने से पहले, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने अभी तक सोलर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मौका दोस्तों बार बार नहीं आएगा। अभी स्टेज 13 चल रहा है, 29 जुलाई को ये 14 स्टेज में इंटर कर जाएगा। चलिए अब उनके लिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है, अब वो अपने शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, आप अपने शेयर सर्टिफिकेट्स तभी डाउनलोड करें जब आपने अपना पैकेज वन टाइम में बाय किया हो, तभी आप डाउनलोड करें। अगर आपने अपना पैकेज इंस्टॉलमेंट में ले रखा है और आपका इंस्टॉलमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड अभी नहीं करें, क्योंकि जब तक आपका इंस्टॉलमेंट पूरा ना हो जाए तब तक आपको शेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट का अभी लेन देन कर रहे हो और आपका अभी इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो अगर आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन आपको पूरे शेयर्स जो आपके एक पैकेज में अलॉट होंगे उनको आपको फिर दोबारा फिर करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना इंस्टॉलमेंट पूरा पे कर लें, उसके बाद ही लास्ट में अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करें। तो ऐसा करता हूँ, आप समझ गए हैं कि आपको कब डाउनलोड करना है। तो चलिए आगे बताता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाना है। डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे ऑप्शन आ रहा है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बाद शेड्यूल्स में जाना है। शेड्यूल्स में जाने के बाद ये मेरा देखिए अभी इंस्टॉलमेंट का पैकेज चल रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जब आपका वन टाइम का पैकेज बाई हो रखा हुआ होगा तो आपके पास यहाँ बस एक ही ऑप्शन आएगा और वो है डॉक्यूमेंट द क्रेडिट शेयर का। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर। तो ये ऑप्शन आने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड द शेड्यूल पे, या फिर व्यू द शेड्यूल पे भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जैसा कि आप देखोगे स्क्रीन पे, ये मेरे नाम का सर्टिफिकेट अलॉट हो गया। ये आपके फ़ोन में या एक पीडीएफ फाइल बन के डाउनलोड हो चुका होगा, तो आप इसे सेव करके रख लें या फिर कलर प्रिंट करके निकलवा के रख लें, ताकि ये आपको फ्यूचर में काम देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आप इसे डाउनलोड करोगे तो उसका डेट यहाँ पर आपको छप जाएगा और आपके पैकेज में आपको कितने शेयर अलॉट हुए हैं वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। आपके नाम का शेयर बन के सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद सारे नंबर और शेयर बाएं साइड में आप देख सकते हो, ये नंबर आपको इसका सर्टिफिकेट का आपको मिल जाएगा, और शेयर्स में दाएं साइड में आपको जितने पास आपके शेयर्स हैं, और मिडिल में भी आपको आपके पैकेज के शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने शेयर सर्टिफिकेट को। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी डाउनलाइन को शेयर करें, ताकि वो भी अपने सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाया करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ मज़ेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।